नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जांच एजेंसी ईडी बुधवार को भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ जारी रखेगी। मंगलवार को सोनिया गांधी से 6 घंटे तक पूछताछ की गई थी। सोनिया से ये पूछताछ नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की जा रही है। एएनआई ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि सोनिया गांधी से अब तक करीब 55 सवाल पूछे जा चुके हैं। उनसे वैसे ही सवाल पूछे गए जैसे राहुल गांधी से पूछे गए थे। उधर कांग्रेस इसे लेकर देश भर में सड़क पर है और उसने संसद में भी जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी सहित कांग्रेस के कई सांसदों और नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मतदाताओं का वोट हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त बिजली, पानी या अन्य गिफ्ट बांटना गंभीर मुद्दा है। इसे नियंत्रित करने की जरूरत है। अदालत ने केंद्र सरकार से इसकी जांच को कहा है। चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र से वित्त आयोग के जरिए यह पता लगाने को कहा कि क्या राज्य सरकारों और राजनीतिक दलों को मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए मुफ्त उपहार देने और वितरित करने से रोकने की संभावना है। शुरुआत में बेंच ने यह काम अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज को सौंपा था कि वो इस मुद्दे पर केंद्र के रुख का पता लगाएंगे। जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे नटराज से कहा कि आप एक स्टैंड लीजिए कि मुफ्त उपहार जारी रहना चाहिए या नहीं। केंद्र के वकील नटराज ने सुझाव दिया ये चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। नटराज की दलीलों को खारिज करते हुए बेंच ने केंद्र सरकार से इस मामले पर स्टैंड लेने को कहा। कोर्ट ने कहा कि आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि आपका इससे कोई लेना देना नहीं है और चुनाव आयोग को फैसला करना है। मैं पूछ रहा हूं क्या भारत सरकार इस पर विचार कर रही है कि ये गंभीर मुद्दा है या नहीं। दूसरी ओर चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि ये पिछले निर्णयों में कहा गया था कि घोषणा पत्र राजनीतिक दलों के वादों का हिस्सा होते हैं। इस पर पीठ ने जवाब दिया, हम मतदाताओं को मुफ्त गिफ्ट या वादे के जरिए रिश्वत की बात कर रहे हैं। अब अगर आप कहते हैं ये आपके हाथ में नहीं है तो भारत के चुनाव आयोग का उद्देश्य क्या है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले शिवसेना के गुट और BJP की सरकार को बने 26 दिन का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया है। बीते कई दिनों से ये कहा जा रहा है कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होगा, लेकिन ये कब होगा इस सवाल का कोई जवाब नहीं। 30 जून को शपथ लेने के बाद से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 5 बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। यहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा सहित BJP के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की है। अब कहा जा रहा है कि शिंदे गुट के विधायकों की नज़र भी मलाईदार मंत्रालयों पर है तो BJP के विधायकों की भी। हालांकि BJP ने एकनाथ शिंदे को CM बना दिया है, लेकिन विधायकों की महत्वाकांक्षा भी एक बड़ी वजह है। मेघालय के तुरा में अपने फार्म हाउस पर वैश्यालय चलाने के आरोपी BJP के मेघालय उपाध्यक्ष बर्नार्ड एन मराग को उत्तर प्रदेश के हापुड़ से गिरफ्तार किया गया है। मेघालय पुलिस द्वारा BJP नेता के लिए लुकआउट नोटिस जारी करने के कुछ घंटे बाद ही गिरफ्तारी हुई। इससे पहले सोमवार को तुरा की अदालत ने BJP नेता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। पुलिस ने कहा कि मराग के स्वामित्व वाले तुरा के एक रिसॉर्ट में बंद 5 बच्चों को शनिवार को बचा लिया गया। पुलिस ने दावा किया था कि उस जगह से एक वैश्यालय चलाया जा रहा था। मेघालय पुलिस ने मराग के फार्म हाउस पर छापा मारा तो वहां से 500 पैकेट कॉन्डोम, गर्भ निरोधक गोलियां, अवैध शराब की बोतलें, ₹37,000 नकद, 33 वाहन, 47 मोबाइल फ़ोन और कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज मिले थे। उन्होंने कहा कि छापेमारी में 47 युवकों और 26 महिलाओं को भी हिरासत में लिया गया था और उनमें से कई नग्न और नशे में पाए गए थे। गुजरात में नकली शराब पीने से अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है और बड़ी संख्या में लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें से कई लोगों की हालत गंभीर है। ये घटना गुजरात के बोटाद ज़िले और अहमदाबाद के आसपास के हिस्सों में सोमवार को हुई। पुलिस ने मामले में 24 मुख्य दोषियों के खिलाफ IPC की धारा 302 सहित कई अन्य धाराओं में 3 FIR दर्ज की हैं। अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और उनसे पूछताछ की जा रही है। गुजरात के DGP आशीष भाटिया ने कहा कि पीड़ितों ने मिथाइल अल्कोहल का सेवन किया था। वहीं जहरीली शराब पीने वालों और उनके परिजनों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वहां जाकर मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि जो लोग शराब बेच रहे हैं उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। मालूम हो कि अरविंद केजरीवाल गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले वहां के दौरे कर रहे हैं। तमिलनाडु में एक के बाद एक छात्राओं द्वारा आत्महत्या करने की खबर आ रही है। मंगलवार को 11वीं कक्षा की एक छात्रा अपने घर में फांसी के फंदे से लटकती हुई मिली। छात्रा के द्वारा आत्महत्या की जाने का शक है और मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस मामले की तमाम एंगल से जांच कर रही है। बीते 2 हफ्ते के अंदर ये 4था मामला है जब तमिलनाडु में किसी छात्रा ने आत्महत्या की है। इससे पहले कक्षा 12वीं की 3 लड़कियां आत्महत्या कर चुकी हैं। इसमें से 3 लड़कियों की मौत 2 दिन के अंदर हुई है।
ताज़ा मामले में 11वीं कक्षा की छात्रा ने शिवकाशी के पास अयमबट्टी इलाके में अपने घर पर फांसी लगा ली। छात्रा के पिता और माता का नाम कन्नन और मीना है और वो एक पटाखा फैक्ट्री में दिहाड़ी मजदूर हैं। जब ये वारदात हुई तब वे काम पर गए हुए थे। छात्रा ने स्कूल से लौटने के बाद ये कदम उठाया। सिकुड़ते विदेशी मुद्रा भंडार को देखते हुए बांग्लादेश ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF से 4.5 अरब डॉलर का कर्ज मांगा है, जिससे खाली होते विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर किया जा सके। देश की 416 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था सालों से दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में से एक रही है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बढ़ती ऊर्जा और खाद्य कीमतों ने इसके आयात बिल और चालू खाता घाटे को बढ़ा दिया है। बांग्लादेश में मंगलवार को 8 विकासशील देशों के कारोबारियों और अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में कहा गया कि खाली होते विदेशी मुद्रा भंडार, बढ़ते ऊर्जा संकट और सप्लाई चेन बाधित होने के कारण और मदद की जरूरत है। बता दें, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी 20 महीने के सबसे निचले स्तर पर जा चुका है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व 7.5 अरब डॉलर की गिरावट देख चुका है। गिरते रुपए के कारण भारत का संकट भी और बढ़ रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।